वेलकम टू चैनल। सो दिस वीडियो इज अ हंड्रेड के स्पेशल वीडियो गायस आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच मुझे ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कराने के लिए एंड आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू पीपल बट आज की वीडियो काफी ज्यादा ऑकवर्ड होने वाली है बिकॉज कुछ टाइम पहले मैंने एक पोस्ट डाला था एंड मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि जैसे हंड्रेड के होंगे मैं आप लोगों को अपना स्टूडियो तोड़ दूंगी रूम तोड़ दूंगी द सैड पार्टिस्ट आप लोग आई मीन आई वॉज लिटरली एक्सपेक्टिंग आप लोग भूल जाओगे बट यू गाइज रिमेंबर इट एंड यू गाइज ऑलरेडी स्टार्टेड कमेंटिंग की हमें रूम टॉच चाहिए स्टूडियो टॉच चाहिए सो आई वॉज लाइक अब कोई वे नहीं है बनाना ही पड़ेगा सो दिस वीडियो इज दिसली रियली रियली ऑकवर्ड बिकॉज अभी तक क्या होता था गाइज की मैन आर बाकी लोगों की वीडियोस देखती थी से रिलेटेड स्टूडियो टॉक से रिलेटेड एंड आई नेवर थॉट इन माय लाइफ इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि मैं कभी किसी को अपनी पर्सनल स्पेस दिखाऊंगी इमेजिन करो कि नेक्स्ट हफ्ते या विद इन नेक्स्ट ईयर आप जो अभी देख रहे हो आपको भी रूम टॉ तो देना पड़ेगा वो मुझे अभी फील हो रही है आप में से काफी लोगों को पहले से ही पता होगा कि ये मेरा एक ही रूम है जिसमें मैं सोती भी हूँ जिसमें मैं काम भी करती हूँ सो बेसिकली इट इज माई रूम कम स्टोरियो Of course, मैं अपनी बाकी हाँ नहीं दिखाऊंगी अबाउट माई स्टूडियो एंड मैं कैसे रिकॉर्ड करती हूँ थिंग्स सो आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड कॉल इट स्टूडियो टोर स्टूडियो टोर इज अ वेरी क्लासी वर्ड हम इसे देसी भाषा में बोलेंगे मैं अपने कमरे का आधार हिस्सा आज आप लोग को दिखाने जा रही हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जेन्यन है मैंने कोई भी चीज़ टेम्प्रेरी से वीडियो में अच्छी लगी उसके लिए प्लेस नहीं करी है दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली लिव दिस इज़ हाउ माय स्टूडियो एक्चुअली लुक्स लाइक आप जब भी मेरे घर आओगे बट आप आओगे कैसे आपको तो एड्रेस ही नहीं पता <laughs> आपको ये जान के एक शॉक लगेगा दैट मैं जहां पे अभी रहती हूँ यहाँ डैडी ने मिलकर ये, ये प्रॉपर्टी प्रिय है मैं बचपन से हमेशा फोर्स करती थी प्लीज किसी बेटर जगह जाते हैं कोई और जगह शिफ्ट होते हैं बट माई पेरेंट्स व लाइक नहीं हम तो यही रहेंगे तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ सो यू कैन इमेजिन राइट अगर मुझे अपने आर्ट पीसेस से इतना अटैचमेंट है तो मेरे पेरेंट्स को जगह से कितना होगा this house is very simple. मैं आपको पहले ही बता रही ऐसे extraordinary, expect मत करना मुझसे. Okay so I आई एक्चुअली रिकॉर्ड एंड शूट videos. So अभी आप लोग क्या देख सकते हो ओनली दिस पार्ट ऑफ इट या मैक्सिमम दिस पार्ट ऑफ इट बट इन reality, दिस

कैसा दिखता है एंड दे एक्चुअली लव दिस आई थिंक दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक एंड इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी विच इज मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स आई वु से इस वॉल में है वो सारी टूटोरियल यूट्यूब के इस चैनल पे भी है ये चेक इट आउट इफ यू थिंक यू हैव मिस सम विच यू लव एंड ये मूविंग बैक टू दिस इफ यू सी दीज शेल्स आई बॉथ दी शेल्स फ्रॉम आइकिया मैंने नहीं खरीदे सॉरी मेरी फ्रेंड है साइली शी इज वर्किंग विद आईकिया सो शी बॉथ दीज शेल्स फॉर मी यू मस्ट बी वंडरिंग ये ये चीज कहा से आई सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी 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 कॉमन एंड आजकल ये बहुत ज्यादा मार्केट में यू बिलीव ये मैं हिमाचल से तोड़ के लेकर आई तो हूँ वाह बेटा ये कितना सुंदर लग रहा है ये तो हम अपने गाँव से भी तोड़ के लेकर आएंगे एंड आई वॉज लाइक वाव आई हैड नो है उत्तराचल में भी ये सब मिलता होगा एज यू कैन सी मैंने शेल्फ में भी काफी अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के पीसेस डेकोरेट कर रखे है कुछ रियल प्लांटर्स भी लगा रखे हैं जस्ट टू गिव दैट नेचुरल वाइब ऑल्सो गाइज मैं हमेशा ये नियॉन लाइट जला के नहीं रखती दैट इज सो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इस एरिया को देन इस तरीके से डेकोरेट करू दिस इज दैट टेबल जहां पे मैं बैठ के अपना काम करती हूँ बहुत बड़ा टेबल नहीं है छोटा सा ही है एंड आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर मी एंड फॉर माई रूम एंड फ्यूचर इफ यू आस्क मी ऑफकोर्स आई हैव प्लान टू चेंज दिस टेबल बट आई थिंक फॉर नाउ दिस इज वर्किंग वेल फॉर मी सो अब धीरे धीरे चलते हैं इस तरफ अपने कमरे के के। आधे so हिस्से so, का कलर काफी basic है। I really wanted की room थोड़ा बड़ा लगे एंड सिंपल लगे एज यू कैन सी एक पूरी वॉल में सिर्फ मेरी पेंटिंग्स हैं तो वो वॉल थोड़ी हेवी हो रखी है इसलिए आई वॉन्टेड की बाकी सारी वॉल्स थोड़ी न्यूट्रलाइज हो जाए एनी वे मूविंग ऑन बाई द वे एक चीज बता रहे भूल गई मम्मा सॉरी तो so, इस कर्टन के पीछे विंडो एंड डोर है दिखा देती हूँ इधर नहीं आ रहा ना आ रही हो और कर दो ओके <laughs> गाइज okay, अगर आपको कैमरे में ऐसे हिलावट या गड़बड़ दिख रही होगी वो मेरी मम्मा की वजह से एंड अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं आधे से ज्यादा टाइम अपने वीडियो में राइट हैंड साइड की तरफ आसमान में देखती हूँ बिकॉज एक्चुअली मैं आसमान में देख रही होती हूँ इसके बाहर देर इज अ गैलरी वेर एवर आई गेट कंफ्यूज मैं बस बाहर देखती हूँ मुझे एकदम से आइडिया आ जाता है एंड देन वीडियो बन जाती है फिर so, यार बहुत बकवास हो रही है यार कैमरा वोमन प्लीज मम्मा प्लीज इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ उसके बाद इस तरफ एक आ चुका है ब्यूटिफुल सा प्लांटर एंड ये रियल है यस yes. इसमें एक और एडिशनल फैक्ट ये है कि हमेशा यहाँ नहीं रहता है इसे हम बीच बीच में बाहर रखते रहते, रहते हैं धूप में कभी कभी वापस अंदर ले आते हैं तो अभी तक का आपको रूम बहुत अच्छा लग रहा है कितना बेसिक है यार एग्जैक्टली exactly, यही रूम मैं बता रही थी स्टार्टिंग से कितना बेसिक है इसे देखने की भी जरूरत नहीं है पता नहीं मैं ये रूम टू बना भी क्यों रही हूँ मतलब इट्स वेरी 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 सिंपल एंड बेसिक गाइड एंड दिस इज हाउ आई लिव एक्चुअली ओके गाइज आप इस तरफ खे सकते हैं मम्मा यहाँ पे कैसे क्या रहा होंगे कैमरे को हो रहा है ठीक है ओके सो जो ये वॉल आपको दिख रही होगी ये वाली वॉल ये वॉल पूरी व्हाइट है बाकी जगहों पे इतना हैवी कुछ हो रहा है इस वांटेड कि ये वॉल एकदम प्लेन व्हाइट हो सो वेन एवर एम शूटिंग माई विडियोज मैं इस वॉल को फेस कर रही होती एंड यस दिस इज इट या दिस इज इट यही था इसीलिए मैं बोल रही थी गाइस की स्टूडियो टोर तो रहने दो रहने दो रहने दो एंड यू वन फोर्स मी इधर इधर ओके गाइस बाय द वे मम्मा ने अभी ऑफ बामरा में बोला कि खिड़की दिखा दे इतनी प्यारी खिड़की है एंड आई एम लाइक ओके दिखा देती मम्मा की नहीं मारूंगी मैं एंड मम्मा आपको भी मेरी इच्छा ही नहीं मारनी होंगी आपको चैनल पे आना पड़ेगा कितने लोग कमेंट कर रहे हैं कुछ तो मतलब कुछ तो थोड़ा सोच लो ओके दिस इज वॉट द विंडो लुक्स लाइक मतलब मुझे तो बहुत ही बकवास लगती है पता नहीं मम्मा कोई प्यारी कहा से लग रही है <laughs> ओके गाइस सो दिस इज द टेबल जहाँ पे मैं काम करती हूँ एंड इसी टेबल में देर आर थ्री ड्रॉर्स फर्स्ट ड्रॉर में आई कीप ऑल ऑफ ऑफ माय माय आर्ट आर्ट आई मीन मोस्ट जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो कि क्या क्या आर्ट सप्लाईज मैं यूज करती हूँ तो उसके लिए आई एव ऑलरेडी वीडियो गो चेक इट आउट विद दैट इन द सेकेंड ड्रॉर आई हैव ऑल गैजेट्स चार्जर्स हैई पैड एवरी थिंग एनी वे अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉर गाइज जहाँ पे मैं इकट्ठा करती हूँ अपना कबाड़ सो इन दिस ड्रॉर जो भी मेरे घर में फेंकने वाली चीजें होती है मैं बस ला लाके यहाँ पे कलेक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उन्हें कभी ना कभी फ्यूचर में जाके पेंट कर सकती हूँ ओके गाइज फाइनली वी आर डन विद आर फर्स्ट ऐसे टोर टाइप का थिंग आई जस्ट होप यू लव दीडियो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आप अगर मेरी जगह होते तो कैसे इस जगह को डेकोरेट करते एंड अगर मुझे आप लोगों के आइडियाज अच्छे लगे मैं डेफिनेटली वो चीजें इनकॉर्पोरेट करूंगी अपने रूम पे एंड यस स्टेट फॉर माई होल रूम टोर वीडियो मैंने पहली वीडियो में भी बोला हुआ है कि मेरा रूम जहाँ पे मैं सोती हूँ उठती हूँ बैठती हूँ सब कुछ करती हूँ वो एंड जो ये टेबल है दिस कॉर्नर ये एक ही एरिया है आप में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया वुड यू वॉन्ट इन फ्यूचर की आप इन दोनों रूम्स को सेपरेट कर दो तो so, मैं अपना प्रेफरेंस बता रही हूँ आई एबसोल्यूटली लव दिस आइडिया ऑफ डिवाइडिंग माई रूम इंटू टू इक्वल हाफ एंड टू तो नहीं मतलब ऐसे उसी रूम पे ही मैं दोनों चीजें करूँ बिकॉज वेन एवर आई फील टायर्ड आई जस्ट गो एंड स्लीप एंड जैसे ही मुझे कोई आइडिया क्लिक करता है मैं फटाफट उठ के स्टार्ट हो जाती हूँ सी यस दैट वेज आई थिंक इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी आई डोंट थिंक सो आई वुड वॉन्ट टू शिफ्ट दो आई स्टिल हैव एन ऑप्शन कुछ ऐसे रूम्स हैं घर में जिनपे मैं अपना स्टूडियो शिफ्ट कर सकती हूँ बट यार आई फील जितनी कन्वीनियंस एक कमरे में ही होती है ना उतनी नहीं होगी किसी भी रूम पे मैंने वही बोला ना कि इट इज नॉट अबाउट कि मैं आप लोग को ऐसी फैंसी चीजें दिखाऊं दिस इज जेन्यूनली द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग ये वही बात हो गई कि हम कितने भी फैशनेबल या ब्रांडेड कपड़े पहन ले बट सबसे कंफर्ट हमारी पुरानी टी शर्ट में ही होता है तो दिस इज दैट ऑल्सो मानसी गुप्ता ने क्वेश्चन पूछा है कि आजकल मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स शिफ्ट हो जाते हैं अपने घर से मूव आउट कर लेते हैं सो दैट दे गेट अ होल स्पेस एंड दे एक्चुअली लिव इंडिपेंडेंटली ज्यादा फ्रीडम होता है एंड वॉट नॉट सो वुड यू वॉन्ट टू डू द सेम नो Not at all, guys. आई थिंक दैट इज a nightmare फॉर मी मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं अपने पेरेंट्स से हटके कोई और जगह पे रहूँ आई मीन आई फील ट्रूली ब्लेस्ड आई थिंक वी ऑल आर ट्रूली ब्लेस्ड कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं हम उनके साथ रहते हैं जस्ट थिंक अबाउट पीपल हु डू नॉट हैव पेरेंट्स ब्लैसिंग की तरह ही लेती हूँ प्लस आई थिंक मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी बॉन्डिंग इतनी अमेजिंग है मैं हर आइडिया उनके साथ शेयर करती हूँ हर आर्ट पीस को आप लोग को दिखाने से पहले उनको दिखाती हूँ उनके फीडबैक्स इंकॉर्पोरेट करती हूँ एंड वॉट नॉट अफकोर्स आई थिंक ए Do not stay with my parents अगर मैं move out करूँगी just because I earn I think मेरा system crash हो जाएगा मैं काम ही नहीं कर पाऊँगी वो मतलब ये बहुत ज़्यादा western culture से चीज़ inspired है and I am not in support of this not that I am saying कि जो लोग ऐसे move out करते हैं वो बहुत गलत चीज़ है या whatever but I think this is not something I would prefer ever 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 in my life and yes

Sa mama with Shivangi sa, the design palette. Thank you. <laughs>